Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Arjay Agam. I hope you guys are having fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I'm going to solve exercise 59 from Oxford Current English Grammar. I hope you'll watch the complete video, and please don't forget to subscribe. यदि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो शैल विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हो तो शैल विल प्लस हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यदि एक्टिव वर्ब के पहले कोई मॉडल एक्सिलरी हो जैसे कि शैल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट आउट इत्यादि रहे तब इसे आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब फ्रेज का रूप मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है तब इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। आपको पता है कि पैसिव वर्ब के साथ एजेंट का प्रयोग तभी किया जाता है जब वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एजेंट का प्रयोग करना अति आवश्यक हो। दूसरी बात, यदि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट वन समवन समबडी नोबडी पीपल या अन्य वैल्यू नाउन या प्रोनाउन अर्थात अस्पष्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो तब पैसिव वर्ब के साथ इनका लोप कर दिया जाता है अर्थात एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, यदि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट से यदि उसके ड्यूटी रोजगार या फिर व्यवसाय या फिर उसके प्रोफेशन का बोध हो तब पैसिव वर्ब के साथ इनका लोप कर दिया जाता है अर्थात पैसिव वर्ब के साथ इनका प्रयोग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। दूसरी बात, अब इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे यू। अब यू के अनुसार शैल विल का प्रयोग करना है तो यू के साथ विल लगाएंगे। अब विल के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब जो यहां पर मेन वर्ब है हेल्प, इसका तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। अब बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करना है तो बाय, और आपको पता है कि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वर्ब के साथ ये कन्वर्ट होके मी हो जाएगा, ठीक है। आई शैल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। अब है यू विल टीच हर, तो यह भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो पहले यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हर, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो हर कन्वर्ट हो जाएगा सी में, ठीक है। अब आपको पता है किसी के साथ विल का प्रयोग होता है और विल के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। अब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहां पर जो टीच है इसका तीसरा फॉर्म टाउट। अब बाय प्लस एजेंट, और आपको पता है कि यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट जो यू है पैसिव वर्ब में जब इसे हम एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे तो यू ही रह जाएगा, ठीक है। यू विल टीच हर, सी विल बी टाउट बाय यू। अब है दे विल फॉरगेट इट, तो यह भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इट, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, चूंकि हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो विल के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म फॉरगेट का तीसरा फॉर्म फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, ठीक है। अब दे विल फॉरगेट इट, इट विल बी फॉरगॉटन बाय देम। यहां पर दे कन्वर्ट हो गया है देम में, ठीक है। अब द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। सबसे पहली बात कि यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, दूसरी बात
एक्टिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है द पुलिस, इसका क्या है, थीफ को अरेस्ट करना, ये इसका ड्यूटी है, प्रोफेशन है, इसलिए पैसिव वर्ब के साथ इसका प्रयोग हम एजेंट के रूप में नहीं करेंगे, ठीक है। अब द थीफ को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द थीफ विल बी अरेस्टेड, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, द थीफ विल बी अरेस्टेड, ठीक है, इसमें एजेंट का प्रयोग नहीं करना है। अब आई शैल डू इट, तो सबसे पहली बात कि इट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब चूंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पर इट विल बी, ठीक है, डन बाय मी, सिंपल फ्यूचर टेंस में है इसलिए शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस एजेंट, ठीक है, और आई कन्वर्ट हो गया मी में, आई शैल डू इट, इट विल बी डन बाय मी। अब है वी शैल वेलकम हिम, तो यहाँ पे ध्यान देना है यह भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपको टेंस पहचानना है, टेंस को पहचानने में यदि गलती होगी तो फिर पैसिव वॉइस आपका गलत हो सकता है, इसलिए पहले टेंस को पहचानना है। अब इस हिम को कन्वर्ट करेंगे ही में और इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके साथ विल प्लस बी का प्रयोग होगा, इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वेलकम का तीसरा फॉर्म वेलकम्ड, ठीक है, उसके बाद बाय प्लस एजेंट, We shall welcome him. He will be welcomed by us. We को convert us में कर दिए। अब है people will remember him. पहली बात आपको पता है कि यदि active verb का subject one, someone, somebody, nobody, people या अन्य भेज्यू नॉन और प्रोनाउन में से कोई एक हो तो passive verb के साथ इनका क्या करते हैं, लूप कर देते हैं, एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो he को convert करेंगे, him को convert करेंगे he में, चूंकि यह क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल बी का प्रयोग होगा, विल बी। अब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रिमेम्बर्ड, पीपुल विल रिमेम्बर हिम, ही विल बी रिमेम्बर्ड, वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। पहला बात तो इसमें यह ध्यान रखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है, दूसरी बात कि his voice, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम यही कर रहा है, तो his voice। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है no more, अर्थात नेगेटिव सेंस है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। his voice will not be, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म heard, We shall hear his voice no more. His voice will not be heard anymore. यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। Nobody will play the match. यहाँ पर ध्यान रखना है कि पैसिव वर्ब के साथ एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि nobody है, अर्थात नेगेटिव सेंस है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है द मैच, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैच विल नॉट बी प्लेड, नोबडी विल प्ले द मैच विल नॉट बी प्लेड। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपको पता है कि वन समवन समबडी नोबडी पीपल ये सब का प्रयोग एजेंट के रूप में पैसिव वर्ब के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव सेंस था इसलिए नोट का प्रयोग किए हैं। अब है वी शैल डिस्कस द मैच टुमारो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, दूसरी बात यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है द मैटर, तो इसे ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैटर विल बी discussed
टुमारो। यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, द मैटर विल बी डिस्कस्ड टुमारो। अब है समबडी विल बीट यू वन डे। आपको पता है एजेंट के रूप में पैसिव वर्ब के साथ समबडी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। यू विल बी बीटेन वन डे। Somebody will beat you one day. You will be beaten one day. अब है we shall buy the books tomorrow. तो the books को क्या करेंगे? Subject बना लेंगे। The books will be bought tomorrow. We shall buy the books tomorrow. The books will be bought tomorrow. यहाँ पर भी एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अब है you can do it. आपको पता है कि यदि एक्टिव वर्ब के पहले कोई मॉडल एक्सिलरी हो, ठीक है, तो इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है कि मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इट, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है, उसे ही हम लिख देंगे कैन, ठीक है। कैन के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो डू का तीसरा फॉर्म डन बाय यू। यू कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय यू। अब है एवरीवन कैन ब्रेक इट। आपको पता है कि यदि एक्टिव वर्ब के पहले मॉडल एक्सिलरी जो, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इट, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे इट, ठीक है। कैन बी, अब जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म broken by everyone. Everyone can break it. It can be broken by everyone. अब है one can solve it. आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वन का जो है एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे इट। और आपको पता है कि चूंकि क्या है एक्टिव वर्ब के पहले क्या है मॉडल एक्सिलरी है, तो कैन बी हो जाएगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इट कैन बी सॉल्व्ड। वन कैन सॉल्व इट, इट कैन बी सॉल्व्ड। अब है ए चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट। आपको पता है कि ए और एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ए चाइल्ड लगा हुआ है, अर्थात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, अस्पष्ट है ना। तो पैसिव वर्ब के साथ इसका एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात कि ए चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे इट कैन नॉट बी, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लिफ्टेड। अब है ही कुड बीट हिम, तो पहले क्या करेंगे हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा, कुड के बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो ही कुड बी बीटन बाय him, he could beat him, he could be beaten by him. अब I could help you, तो you could be main verb का तीसरा form helped by
मी आई कुड हेल्प यू यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी अब है यू मे विन द रेस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि द रेस इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे द रेस मे बी won by you you may win the race may be won by you आपको फिर से बता दूं कि चूंकि यहां पर क्या है कि जो एक्टिव वर्ब है उसके पहले क्या है मॉडल एक्सिलरी है तो जहां भी मॉडल एक्सिलरी है might may ठीक है फिर may फिर must फिर must फिर must फिर should तो इसके बाद सीधा भी लगा देना उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ही माइट सॉल्व इट तो इट माइट बी सॉल्वड बाय हिम ही माइट सॉल्व इट इट माइट बी सॉल्वड बाय हिम दे मे डिफीट अस तो अस को कन्वर्ट कर देंगे वी मे वी Maybe defeated by them. They may defeat us. We may be defeated by them. They को convert them में कर दिए ठीक है अब है our team may win the match. यहाँ पर ध्यान रखना है कि our team ठीक है पार्टिकुलर है किसी विशेष का बोध हो रहा है अस्पष्ट नाउन नहीं है इसलिए एजेंट का प्रयोग करेंगे ठीक है आवर टीम में विन द मैच तो द मैच को सब्जेक्ट बनाएंगे द मैच मे बी वन बाय आवर टीम में विन द मैच The match may be won by our team. अब है कि you must help the poor. ठीक है? तो the poor इसे हम subject बना लेंगे. The poor must be helped by you. You must help the poor. The poor must be helped by you. अब है you must not pluck flowers. तो flowers को subject बना लेंगे. ठीक है? Flowers must not be plucked by You, you must not pluck flowers. Flowers must not be plucked by you. You must send a reply. A reply को subject बनाएंगे. A reply must be sent by you. You must send a reply. A reply must be sent by you. Main verb का तीसरा form है. कुछ नहीं किए modal auxiliary के बाद भी लगा दिए. ठीक है? You should help her. Her को convert she में कर देंगे. She should be helped. You should help her. She should be helped by you. You should take exercise. तो exercise को हम क्या करेंगे subject बना लेंगे exercise should be taken by you. अब है दे शुड फिनिश द वर्क तो द वर्क को सब्जेक्ट बना लेंगे द वर्क
should be finished by them. I should do it. It should be main verb का तीसरा form done by me. I should do it. It should be done by me. यहाँ पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जो भी modal auxiliaries है ठीक है उसके बाद be लगा के main verb का तीसरा form दे देना है. यदि agent का आवश्यक हो तो agent का प्रयोग करेंगे नहीं हो तो नहीं करेंगे ठीक है. We should not cheat our friends. तो our friends should not be cheated by us. We should not cheat our friends. Our friends should not be cheated by us. We को convert us में कर दिए. अब we could find it. तो it could be main verb का तीसरा form found by us. We could find it. It could be found by us. अब she could buy a car. A car could be bought by her. She could buy a car could be bought by her. अब he would do it. तो it would be done by him. He को convert him में किए. He would do it. It would be done by him. अब I would help you. तो you would be helped by me. I would help you. You would be helped by me. अब I shall have done the work. अब आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया कि यदि एक्टिव वॉइस में ठीक है भर फ्रेज का रूप मॉडल एक्सिलरीज प्लस है प्लस भर का तीसरा फॉर्म हो तब उसे पैसिव में बदलने के लिए मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस बीन प्लस भर्व का तीसरा फॉर्म लगाना ठीक है. यहाँ पर क्या है सेल हैव और भर्व का तीसरा फॉर्म है ना. तो हमको कुछ नहीं करना है द वर्क को पहले सब्जेक्ट बना लेना ठीक है द वर्क. अब यहाँ पर सेल हैव बीन ठीक है सेल हैव के बाद बीन लगा देना द वर्क. तो सेल का तो प्रयोग होगा नहीं यहाँ पर तो विल लगाएंगे. विल हैव बीन बस सिर्फ बीन लगाना है ठीक है. उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म तो डन बाय मी. आई शैल हैव डन द वर्क. द वर्क विल हैव बीन डन बाय मी. अब है दे विल हैव बाउट ए कार. यहाँ पर ध्यान देना है विल हैव है ठीक है. तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं. तो ए कार विल हैव बीन ए कार विल हैव बीन. अब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म तो ये तो ऑलरेडी तीसरे फॉर्म में है तो बाउट बाउट बाय देम. दे विल हैव बाउट ए कार will have been bought by them. अब है they will have discussed the matter. तो will have के बाद been लगा देना the matter will have been discussed
discussed by them. They will have discussed the matter. The matter will have been discussed by them. अब they will have built the road by March. तो यहाँ पर ध्यान देना will have है, तो इसके बाद will लगा देंगे, ठीक है? पहले the road, इसे subject बनाएंगे. The road will have been built by मार्च. यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? दे विल हैव बिल्ट द रोड बाय मार्च. द रोड विल हैव बीन बिल्ट बाय मार्च. द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स. पहले आप यह पहचानो कि मॉडल एक्सिलरी है, प्लस हैव है, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है. तो इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स. तो द स्वीट्स को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे. द स्वीट्स मस्ट हैव बीन, ठीक है, ईटन. The child must have eaten the sweets. So the sweets must have been eaten by the child. They must have killed the bird. पहले आप structure पहचानो कि क्या है. Modal auxiliary plus have plus verb का तीसरा form. तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है? तो द बर्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे. द बर्ड मस्ट हैव बीन किल्ड बाय देम. They must have killed the bird. So the bird must have been killed by them. अब है he could have done that. यहाँ पर भी है modal auxiliary plus have plus verb का तीसरा फॉर्म. तो पैसिव में बदलने के लिए modal auxiliary plus have plus been plus verb का तीसरा फॉर्म. तो that could have been done by him. He could have done that. That could have been done by him. अब है you should have helped her. यह भी सेम है modal auxiliary plus have plus verb का तीसरा फॉर्म. तो फिर वैसे ही करेंगे modal auxiliary plus have plus been plus verb का तीसरा फॉर्म. हर को कन्वर्ट सी में कर देंगे, ठीक है? She should have been, she should have been helped by you. You should have helped her. She should have been helped by you. अब है he ought to have respected his elders. यहाँ पर भी सेम है modal auxiliary है plus have है plus verb का तीसरा फॉर्म है. तो इसे भी सेम ही बनाएंगे कि मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म. अब हिज एल्डर्स, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. हिज एल्डर्स आउट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय him. He ought to have respected his elders. His elders ought to have been respected by him. अब है he should not have neglected his wife.
ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है ना, मॉडल एक्सिलरी है प्लस हैव है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो उसी तरह से बनाएंगे, तो हिज वाइफ इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज वाइफ शुड नॉट हैव बीन neglected, he should not have neglected his wife should not be been neglected by him. अब है, the little child could not have done all these damage. यहाँ पर ध्यान देना है, द डेफिनिट आर्टिकल्स होता है, इसलिए आपको पता है एक्टिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है द लिटिल चाइल्ड, ये क्या है, अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, इसलिए एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो सेम है, मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बिन लगा देंगे सीधा, तो द लिटिल चाइल्ड कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, तो ऑल दिस damage could not have been done by the little child. The little child could not have done all this damage. All this damage could not have been done by the little child. अब है, he might have seen a tiger. यहाँ पर भी सेम है कि मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, सीधा बिन लगाना है, तो a tiger इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. A tiger might have been seen by him. He might have seen a tiger might have been seen by him. अब है, he should have written a letter. यहां पर भी same structure है, तो a letter subject बना लेंगे. A letter should have been written. He should have written a letter. A letter should have been written by him. One can gain nothing without effort. पहली बात आपको ध्यान देना है कि मॉडल एक्सिलरी जो है सो एक्टिव वर्ब के पहले आया है, इसलिए यहाँ पर हम जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म. दूसरी बात, यहाँ पर जो एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट वन है, आपको पता है कि पैसिव वर्ब के साथ इसका लोप कर दिया जाता है, अर्थात एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं. अब यहाँ पर जो नथिंग है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, नथिंग नथिंग can be gained without effort. One can gain nothing without effort. Nothing can be gained without effort. अब I shall never forget these happy days. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी वही है, मॉडल एक्सिलरी जो है सो एक्टिव वर्ब के ठीक पहले आया है, तो इसे भी हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है. तो यहाँ पर डोज हैप्पी डेज इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, डोज हैप्पी डेज, ठीक है. आई शैल नेवर फॉरगेट डोज हैप्पी डेज, तो डोज हैप्पी डेज
shall, sorry, will never be forgotten by me. I shall never forget those happy days will never be forgotten by me. Our one out to keep one's promises. ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर भी सिंपल है कि जो एक्टिव वर्ब है उसके पहले मॉडल एक्सिलरी आया है, ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, तो पहले वंस प्रोमिसेज, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, वंस प्रोमिसेज आउट टू बी kept, one out to keep one's promises out to be kept. और आपको पता है कि one का जो है सो पैसिव वर्ब के साथ क्या करते हैं, लोप कर देते हैं. Students should follow the rules of grammar. तो आपको द रूल्स ऑफ ग्रामर इसे सब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है, द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स. Students should follow the rules of grammar. The rules of grammar should be followed by students. अब है, my friends will blame me. तो me को convert I में कर देंगे, ठीक है. I shall be blamed by my friends will blame me. I shall be blamed by my friends. अब है, the boy will do something remarkable. तो यहाँ पर ध्यान देना है, something को subject बना लेंगे, ठीक है, something will be done remarkable by the boy. यहाँ पर मैंने agent का प्रयोग फिर भी किया है, इसलिए कि आपको पता है the को definite articles कहते हैं, अर्थात निश्चितता का बोध कराता है, अर्थात यहाँ पर जो है active verb का subject वो अस्पष्ट है, ठीक है. तो the boy will do something remarkable, तो something will be done remarkable by the boy.